इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में, जिसको कई सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ये एज अ बी स्कूल कैसा ऑप्शन है। सो हाय, माय नेम इज आर्शी खान एंड वेलकम टू आवर चैनल। राइट, अगर हम दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करें तो 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। राइट, ये इनका टेक्निकल कैंपस है जो कि विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी VIPS का ही कॉलेज है जो कि MBA कराता है। 2011 में इस्टैब्लिश हुआ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, PGDM कराता है जो कि AICTE अप्रूव्ड है। साथ ही साथ इनका जो PGDM है उस वो इक्विवेलेंट टू AIU भी है, मतलब इक्विवेलेंट टू MBA है क्योंकि उसके पास AIU का भी अक्रेडिटेशन है। राइट, ये PGDM के अलावा एक 6 months का बिजनेस एनालिटिक्स का वीकेंड सर्टिफिकेशन भी कराता है, साथ ही साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम राइट ये भी कराता है, मल्टीमीडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये MDP प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराता है, विच इज़ ऑफर्ड इन एसोसिएशन विद द कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। राइट, अगर हम इनके वन ऑफ द मेजर USPs की बात करें तो उनका कई सारा अकेडमिक कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सच एस ESCP विच इज़ इन यूरोप, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस, USM मलेशिया एंड कई सारी और भी ग्लोबल एक्सपोजर ये कॉलेज जो है वो ऑफर करता है। हम एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट्स पे बात करेंगे तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है आप इस कॉलेज के स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जानना चाहते हैं कि ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कैसा ऑप्शन है, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कई सारी स्पेशलाइजेशन में ये PGDM ऑफर करता है, मार्केटिंग, फिनेंस, सप्लाई चेन, HR, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे कई सारी स्पेशलाइजेशन है। स्किल डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट स्पेशलाइजेशन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 50% इन योर ग्रेजुएशन, CAT, GMAT, MAT, CMAT, इन सभी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन यू गो फॉर द पर्सनल इंटरव्यू और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, एंट्रेंस टेस्ट 30% वेटेज, न्यूमेरिकल असेसमेंट होता है 10%, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है 10%, रिटन एनालिसिस होता है 10%, ग्रुप डिस्कशन 10%, पर्सनल इंटरव्यू 20%, अकेडमिक प्रोफाइल वर्क एक्सपीरियंस 10%, ऐसा वेटेज दिया है जिसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन करते हैं। इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है एडमिशन लेने का, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है एंड Tier 2 की कैटेगरी में है, तो वहाँ पे अगर आपका एंट्रेंस बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, आपका अकेडमिक्स ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो टोटल फीस जो है वो 8,90,000 की पड़ती है, ईयरली फीस है 4,53,000 की अगर हम इस कॉलेज की बात करें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्कॉलरशिप। गर्ल चाइल्ड है, कश्मीरी माइग्रेंट है, BPL कार्ड है या EWS है, इन सभी को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। जिनके हाई स्कोर है CAT, ZAT, GMAT, MAT में, वो भी एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। बट ये जितने भी कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं, उनका क्राइटेरिया एक नेक्स्ट लेवल का रहता है कि अगर आपका CAT में 90% है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इट्स वेरी सिंपल, जिसका CAT में 90 होगा वो यहाँ तो नहीं आएगा, दैट इज तो फॉर श्योर, विच आई जस्ट वॉन्ट टू टेल। तो वो स्कॉलरशिप एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तो वेरी नहीं कर सकते। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉलेज के हिसाब से 127 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। एवरेज पैकेज जो है वो 7,30,000 का है, हाईएस्ट जो है वो 22.27 लाख का है। कॉलेज के हिसाब से टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज वप्रो, इन्फोसिस, IBM, ऐसी कई सारी कंपनीज थी। आप इसका एवरेज पैकेज 6 लाख के आसपास के मान सकते हैं। राइट, अब विद हॉस्टल ये आपको कितना पड़ता है उसके हिसाब से रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट क्या है ये आपको देखना है। सेकंड चीज़, थोड़ा सा प्रोफाइल ऑफ कंपनीज, राइट, प्रोफाइल जो ऑफर हो रही है अपार्ट फ्रॉम कंपनीज, ये दूसरी चीज़ है जो आपको देखना ज़रूरी है। उसके लिए आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। नीचे जो फॉर्म है उसको फिल करके आप स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो आप ये कॉलेज देख रहे हैं, लिस्ट में और भी कई सारे ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शंस में इसको कहाँ रखना है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज लेट्स से अगर आप दूसरे कॉलेजेस, कई सारे कॉलेजेस से बेटर है, कई सारे कॉलेजेस में इसको बाद में आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। जैसे
अगर हम जयपुरिया की बात करें तो आई थिंक ऑब्वियसली ये जो है वो उससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ऑब्वियसली जब आप MBA के लिए कॉलेजेस देख रहे होते हो तो आपकी लिस्ट में कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप कहीं ना कहीं इवैल्यूएट कर रहे होते हो और उसी के हिसाब से आपको फाइनली जो है वो डिसाइड करना होता है। देन एलुमनाई नेटवर्क की बात करें तो आलोक कुमार स्ट्रैटेजिक एंड बिजनेस मैनेजर एट NDTV, राइट, दिशा नागरा बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी और ओरेकल, नेहा गांधी एरिया मैनेजर बजाज फाइनेंस, शुभम जैन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी कॉर्पोरेट HR, चाक्षु गंभीर इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम एंड प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी HR, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, ये दूसरी कंपनीज हैं इसका मेरे पास, यू नो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी आई वॉज लाइक गोइंग थ्रू देयर वेबसाइट राइट जहाँ पे ये HR जो है वो मेंशन था। तो मैं अगर ये चाक्षु की बात करूं तो ये HR है DB करके कोई कंपनी है, चाक्षु गंभीर DB स्कैंचर करके एक कंपनी है, उसमें HR प्रोफाइल पे है राइट। उसके अलावा अगर हम शुभम जैन की बात करें तो मैं शुभम जैन का भी आपको बता देती हूँ, ये भी सेम कंपनी में है HR प्रोफाइल पे राइट, ये यहाँ पे मेंशन नहीं था, दैट इज़ द रीज़न आई यू नो टोल्ड यू दैट ये कुछ एलुमनाई हैं जो यहाँ से पास आउट हैं। कॉलेज नया है, ग्रो कर रहा है राइट, अभी कितना ग्रो करता है आने वाले टाइम में ये तो एक देखने वाली चीज़ है। बाकी अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके पास हो सकता है लिस्ट में इससे बेटर ऑप्शंस भी हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, और अगर आपका प्रोफाइल एकदम नहीं है तो इससे बेस्ट ऑप्शन भी ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं डिसाइड करना है। तो ये था वीडियो दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में। वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहना है मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.